गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टीच नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर थर्ड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लोथिंग। तो जो हम लोग पहनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोथिंग बोलते हैं। जो हम लोग पहनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोथिंग बोलते हैं। जिससे हमारे शरीर को क्या करते हैं? ढापा जाता है। जिससे हम अपने शरीर को क्या करते हैं? ढकते हैं। जो क्लोथ्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं रेन से, कोल्ड रेन, कोल्ड हीट, डस्ट, डस्ट पार्टिकल से हमारे जो क्लोथ है क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो क्लोथ्स कैसे बनते हैं? तो क्लोथ्स आर मेड ऑफ वेरी थिन थ्रेड इज कॉल्ड फाइबर्स। जो क्लोथ्स होते हैं वो फाइबर से बनते हैं। तो जो फाइबर फाइबर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो फाइबर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर्स। तो मैनमेड फाइबर और नेचुरल फाइबर के बारे में हम लोग अपने फाइबर्स टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए, हमारे टाइप्स ऑफ फाइबर्स, सेकेंड है मैन मेड फाइबर्स। तो पहला क्या है? नेचुरल फाइबर्स। तो पहले हम लोग क्या बताए थे कि जो क्लोथ्स है वो फाइबर से बने होते हैं। क्लोथ्स आर मेड ऑफ वेरी थिन थ्रेड कॉल्ड फाइबर्स। और फाइबर्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जब उसे हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो क्लोथ्स बनता है। तो फाइबर के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फाइबर, एक होते हैं मैनमेड फाइबर। तो जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। इसका डिफिनेशन है कि फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। फॉर एग्जाम्पल हो गया ऊन हो गए, सिल्क हो गए, कॉटन, जूट, रबर, इटीसी। जो मैन मेड फाइबर होते हैं वो मैन के द्वारा क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। तो द फाइबर्स लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर आर मेड बाय मेन इन फैक्ट्रीज। जो मैन के द्वारा ये फाइबर्स क्या होते हैं? तैयार किए जाते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग मैन मेड फाइबर बोलते हैं, और इसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये नायलॉन रूप हो जाएगा, रेनकोट होंगे, ये सारे एग्जाम्पल है मैनमेड। चलिए पहले इसके डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं और इसके एग्जाम्पल को भी देखते हैं। नेचुरल फाइबर, ये ऐसे फाइबर्स हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं, यानी कि हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं। ऐसे फाइबर्स को हम लोग नेचुरल फाइबर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है वूल, सिल्क, कॉटन, जूट, इटीसी। तो जो नेचुरल फाइबर है ये भी दो प्रकार के होते हैं। नेचुरल फाइबर इसकी भी दो टाइप्स है। एक है प्लांट और सेकेंड है एनिमल्स। तो जो फाइबर है वो हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी हम लोग को ये फाइबर मिलते हैं। तो प्लांट से जो मिलने वाले फाइबर जैसे हो गया कॉटन हो गए, जूट हो गए, रबर हो गए, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे कॉटन, तो वी गेट कॉटन प्लांट फॉर
वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, ये हमें कॉटन प्लांट से कॉटन हमें मिलते हैं, ये हमें कपड़े बनाने में क्या होते हैं यूज, कपड़े बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जूट है, ये भी जूट जो है जूट प्लांट से हमें मिलते हैं, इन्हें भी हम कपड़े बनाने का भी कपड़े बनाने में ही यूज करते हैं, जैसे बैग हो गया, रोप हो गया, इसे बनाए जाते हैं। और जैसे रबर हो गया तो रबर भी रबर प्लांट से ही हमें मिलते हैं, उससे भी बैग शूज बनाए जाते हैं। अब एनिमल्स है तो एनिमल्स में जो फाइबर्स हमें मिलते हैं वो ऊन से भी मिलते हैं और सिल्क से मिलता है, तो जो ऊन है वो हमें सिल्क से मिलता है और जो सिल्क है वो सिल्क वर्म से मिलता है। तो ऊन से वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं और सिल्क से सिल्क साड़ीज बनाई जाती है, ट्राउजर बनाए जाते हैं, बहुत सारे ड्रेस मटेरियल्स क्या होते हैं सिल्क से बनाए जाते हैं। ये हम लोग अपने टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर हम लोग पढ़े कि दो प्रकार के नेचुरल फाइबर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स का जो एग्जांपल है वो प्लांट्स के कॉटन हो जाएंगे, जूट हो जाएंगे, रबर हो जाएंगे, और जो एनिमल्स का एग्जांपल है सिल्क हो जाएंगे, वूल हो जाएंगे, ये क्या है ये नेचुरल फाइबर। अब हम लोग पढ़ेंगे मैन मेड फाइबर, फाइबर्स लाइक नायलॉन, पॉलिएस्टर, इत्यादि आर मेड ऑफ मैन इन फैक्ट्रीज। बहुत सारे जो फाइबर्स है वो हमारे द्वारा फैक्ट्रीज में क्या हो जाते हैं तैयार किए जाते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम लोग मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल है नायलॉन रोप, रेनकोट, ये और भी आर्केलिक कर्टेन्स भी बनाए जाते हैं, यानी कि ये जो फाइबर्स है ये क्लोथ्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है, तो जो टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है वो डिपेंड करता है वेदर पर, वो वेदर पर डिपेंड करता है कि कैसा वेदर है उस पर डिपेंड करता है क्लोथ्स। तो टाइप्स ऑफ हम लोग क्लोथ्स को देखते हैं, ताकि वो जो कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं वो स्वेट को आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे शरीर को क्या करते हैं ठंड पहुंचाते हैं। तो ऐसे वेदर में हमें कॉटन क्लोथ्स अधिक पहननी चाहिए, इन कोल्ड वेदर ठंडे के मौसम में हमें वूलन क्लोथ्स पहनने चाहिए, यानी कि डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो जो गर्म हो वो हमारे शरीर से एस्केप नहीं कर सके। हम अगर वूलन क्लोथ्स पहनते हैं तो हमारे शरीर को क्या करते हैं गर्म रखते हैं, हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। जब जैसे पोलर रीजन में हमेशा जो पीपल होते हैं वहां पर वूलन क्लोथ्स ही पहनते हैं, जैसे स्वेटर हो गया, कोट हो गया, ये सारे जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो वहां के एरिया में पहने जाते हैं। इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में हम लोग अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं, रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं रेनी सीजन में। ये ऐसे जो क्लोथ्स होते हैं ये वाटर प्रूफ क्लोथ्स होते हैं जो आसानी से क्या हो जाते हैं ड्राई हो जाते हैं, ऐसे ऐसे क्लोथ्स जो हमें रेनी सीजन में पहनते हैं। तो ये जो आपका जो थर्ड चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका जो लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ये अब कंप्लीट हो चुका है।
तो आपसे इससे जितने भी आपके आंसर क्वेश्चन और जो नोट्स होंगे आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।